किया जाएगा और पाक फौज के शाना बशाना हमेशा खड़े रहेंगे। जी, हंगू का तारीखी और सेहत फिजा मकाम समाना को सियाहत का मरकज बनाने के लिए मकामी इंतजामिया भरपूर इकदाम उठा रही है। इस हवाले से मजीद तफसील तारिक मुकल की इस रिपोर्ट में देखते हैं। हंगू और औरंगजेब के संगम पर सतह समंदर से 7000 फीट बुलंदी पर वाकिया समाना इंतहाई दिल फरेब नज़ारों और पुरकशिश आबो हवा की बदौलत सियाहत के लिए आइडियल मुकाम है। जब सड़क पक्का हो, पानी हो, होटल हो और रहायश का जगह हो तो इंशाल्लाह ताला इधर बहुत ज्यादा लोग आएंगे और इसमें हंगू जिले डिस्ट्रिक्ट हंगू का भी फायदा है और आवाम का भी फायदा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंगू फैदुल्ला खान के मुताबिक महकमा टूरिज्म और हंगू और औरंगजेब की इंतजामिया ने समाना में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू कर रखे हैं जिनकी तकमील से ये सियाहत का बेहतरीन मरकज बनकर सामने आएगा। एक डिस्ट्रिक्ट हंगू के साइड से डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है और रोड्स की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की है और दूसरा जो है औरंगजेब की तरफ से टूरिज्म स्पॉट्स जो है रिजॉर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे काम बहुत अच्छी तरीके से जारी है। समाना में जॉगिंग ट्रैक, होटल्स, आबनोशी की स्कीमें और दीगर सियाहती लवाजमात की फराहमी के मनसूबाजात की तकमील से जहाँ ये इलाका तरक्की करेगा वहीं मुकामी अफराद को रोजगार और तरक्की के मौके भी मयसर आएंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक मुगल, आज न्यूज हंगू। फ्रांस के कौमी दिन पर एफिल टावर में शानदार आतिशबाजी की गई। आपको बताएं एफिल टावर कौसे कज़ा के रंगों में नहा गया। 30 मिनट तक जारी रहने वाली आतिशबाजी के दिलकश मनाजिर ने आसमान पर धनक के रंग बिखेर दिए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आशा टीवी। देख रही है आज न्यूज़।